हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, जी हाँ मैं हूँ इस वक्त जम्मू में। 2021 में भी जम्मू आए थे, यहाँ के आपको हमने नगीने दिखाए थे। 2022 में आया हूँ, एक फैमिली ट्रिप पे हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल लिया है यहाँ के नगीने एक्सप्लोर करने के लिए। जी हाँ, कहाँ आया हूँ, एक नया नगीना लेके। चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। तो लीजिए, मैं हूँ इस वक्त गोल मार्केट गांधीनगर जम्मू में, और मेरे सामने है न्यू पापादी हट्टी। जी हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पे एक नॉन वेज हेवन है, और ये सामने देखिए सेटअप। तो थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाता हूँ कि ये किस तरह की जगह है। ये एक शाम के समय आएंगे तो यहाँ पर बहुत चकाचक रहती है। ये पूरा ही मार्केट नॉन वेजिटेरियंस और फूडीज के लिए हब है। और सड़कें देखिए, चौड़ी खुली सड़कें, आप गाड़ी पे आ सकते हैं। और यहाँ का गूगल मैप लोकेशन कॉन्टैक्ट सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पे देख रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं आउटलेट कैसा है। तो जैसे ही आउटलेट पे आके आप खड़े होते हैं तो खुशबू का ये देखिए तवा लगा है, इतनी खुशबू महक यहाँ पर तवा आइटम्स लगाते हुए बिल्कुल एंट्रेंस पे। और थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे, ये देखिए छोटा सा ढाबा स्टाइल है यहीं पे। यहाँ पर ये बिल काउंटर है, पीछे देखिए मुर्गे सजे हुए हैं। जी हाँ, आइए इनकी आपको मैं सिटिंग स्पेस भी दिखाता हूँ। तो देखिए, ये यहाँ पर इनका है एसी सिटिंग स्पेस, चार पांच टेबल लगे हैं यहाँ पर। आप यहाँ बैठ के एसी में आराम से फूड इंजॉय कर सकते हैं। फैमिली सिटिंग स्पेस है, यहाँ पे फैमिली फूड इंजॉय करते हुए। एक इनका ओपन स्पेस दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने आपको अभी इनका एसी सिटिंग स्पेस दिखाया था, लेकिन बैक साइड पे देखिए यहाँ पर टेबल्स लगे हैं जहाँ पर लोग आराम से फूड इंजॉय करते हुए। पूरी ढाबा फीलिंग है यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ पर फैमिलीज के साथ लोग आए हुए हैं, ये देखिए। तो काफ़ी पॉपुलर है फैमिलीज़ में, छुट्टी वाला दिन है और दोपहर को ही कस्टमर्स आने शुरू हो गए हैं। शाम को आएंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चकाचक मिलेगी आपको। जोगिंदर पाल जी, जो इस ढाबा के कर्ता धरते हैं, हमारे साथ हैं। और सबसे पहले थैंक यू सो मच अंकल, इतनी मतलब इस वक्त रश है और आपने हमें अपना टाइम दिया। कितना टाइम हो गया इस आउटलेट को? 92 से मैं शॉप कर रहा हूँ। 92 से, और क्या प्यार बांट रहे हो। देखो, मेरे को दिल्ली तक लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि आप एक गोल मार्केट में जाके पापा दी हट्टी का नॉनवेज ज़रूर ट्राई कर। क्या प्यार बांट रहे हैं जो इतने पॉपुलर हैं आप? अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ हर चीज़ अच्छी हो। बाकी टोपी चिकन, तवा चिकन हमारा फेमस है, बाकी मटन भी बड़ा अच्छा होता है। हाँ जी, मटन। और ढाबा के टाइमिंग्स क्या रहते हैं आपके? सुबह 10 बजे लेके रात को 10:30। अच्छा, सुबह 10 बजे खोल लेते हैं आप, रात को 10:30 बजे तक। और किसी दिन कोई छुट्टी वगैरह भी करते हैं? ट्यूसडे को छुट्टी होती है, ट्यूसडे को छुट्टी, नवरात्रों में छुट्टी। और मेरे जैसा फूडी आए तो एक तो आपका टोपी चिकन यहाँ पे ट्राई करे। उसके अलावा क्या करना चाहिए यहाँ पे? मटन रोगन जोश भी ठीक होता है, मटन जखनी, मगज है, मटन कबाब, सब कुछ अच्छा है। थैंक यू सो मच हमारे से बात करने के लिए। लीजिए, हम इनकी किचन में आ गए हैं और ये देखिए हमारे सामने ये राड़ा चिकन तैयार होते हुए, और लग रहा है कीमे में तैयार किया जाता है, मगज है, कीमे में। वाजिबा, और देखिए बहुत प्यारी महक है, और इस वक्त अच्छे से इसको राड़ लगाया जा रहा है, ये देखिए बढ़िया। और लीजिए, जो सबसे ज़्यादा इस किचन में मुझे अट्रैक्ट कर रही है वो है इनके ये सीख कबाब। कबाब देखिए, जी हाँ, इन हाउस प्रिपरेशन है इन कबाब्स की। ये देखिए कितना प्यारी रंगत, कितनी आप टेक्सचर देखिए कबाब्स का। जी हाँ, और ये तंदूरी आइटम है यहाँ की सबसे ज़्यादा पॉपुलर। तो देखिए यहाँ पर ये बोटी, जी हाँ, मटन टिक्का है ये। ये देखिए कितना सही लग रहा है यहाँ पे। और लीजिए, ये है यहाँ पे रोस्टेड में इनका टिक्का, और बराबर में ये चिकन सजे हुए हाफ डन करके। जी हाँ, ये काफ़ी जगह पे इनका ये चिकन इस्तेमाल किया जाता है। और क्वांटिटी देखिए, अभी तो काम शुरू हुआ है, और क्वांटिटी देखिए, आह हा हा हा, लुक एट दीज। जी हाँ, सीखों के अंदर सजे हुए तंदूर में जाने के लिए। और देखिए नज़ारे, आपको तंदूर में मैं इस वक्त झांकते हुए, और ये देखिए ये लगे हैं यहाँ के मटन टिक्के। नज़ारे देखिए इस वक्त सीख के ऊपर कितने खूबसूरत सजे हुए तंदूर में लगे हुए। ये सीन है यहाँ पे दोपहर के 1-1.5 बजे का। तो आप जस्ट इमेजिन कि जब आप रात को आएंगे यहाँ पे आपको कितना बढ़िया नज़ारा मिलने वाला है। इनके दूसरे तंदूर में हम झांकते हुए, और ये यहाँ पे नान लगते हुए, और बराबर में ही ये देखिए तंदूरी चिकन सजा हुआ है,
वाह। और ये नान सच के बाहर आ चुका है, बिल्कुल पका हुआ। देखिए कितना प्यारा खूबसूरत नान। तो लीजिए ये देखिए, तवा सजे हुए इस वक्त टिक्कों से, और खड़े खड़े प्याज और टमाटर आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये है जम्मू की स्पेशलिटी। जी हाँ, यहाँ पर इस तरीके के, इस स्टाइल से बनाए हुए तवा चिकन बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और ये देखिए तैयार हो गया है यहाँ का तवा चिकन, खड़े खड़े टमाटर प्याज में बनाया जाता है। और रूप देखिए, ये जा रहे हैं टमाटर, और ये देखिए बड़े बड़े टमाटर के पीस, प्याज ये इस वक्त तवे पे जा चुके हैं, और हाफ डन रोस्टेड चिकन गया है तवे के ऊपर, जिसको अच्छे से कुकिंग ऑयल में पकाया जा रहा है पहले। ये है जम्मू की स्पेशलिटी। जी हाँ, ऐसा यहाँ पे तवा चिकन कुछ अलग स्टाइल से, जो आप दूसरे शहरों में देखते हैं उससे कुछ अलग यहाँ पे मिलता है। तो लीजिए, प्याज उसके ऊपर डाल दिया गया और इसके ऊपर से इसको ढक दिया गया है। ये देखिए ढकने का स्टाइल देखिए, ये देखिए ढक के इसको अलग कर दिया गया है। अब अलग से चिकन और ले लिया गया है, उसको पकाया जाएगा। और ऐसे ही टमाटर प्याज में अच्छे से, लीजिए अब प्याज जाते हुए चिकन में, पहले टमाटर गया, प्याज गया, और इसको अच्छे से, ये देखिए और ये देखिए, ये इनका एक, इसको ढक दिया गया है और अलग रख दिया गया है। आप तरीका देखिए बनाने का। और अंकल, जो इसको ढक दिया जाता है, ये देखिए, इसका अच्छे से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए, इसलिए रखते हैं। हाँ जी, प्याज नरम हो जाता है ना। हाँ जी, तो अच्छे से भुनने के लिए, और सॉफ्ट भी हो जाएगा चिकन, पक भी जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग तवा आइटम्स हैं, जो सबसे जो पॉपुलर है वो रोस्टेड चिकन को तवे के ऊपर तैयार किया जाता है। और दूसरा ये देखिए, अगर आप रोस्टेड चिकन नहीं पसंद करते तो यहाँ पे सीख कबाब को भी ऐसे ही तैयार कर दिया जाता है। बनाने का तरीका सेम है, आपकी प्रेफरेंस है, बोनलेस कुछ प्रेफर कर रहे हैं तो आप ये सीख कबाब के अंदर सेम चिकन बनवा सकते हैं तवे के ऊपर। आइए आपको मटन दिखाते हैं। ये देखिए नज़ारा, देखिए पीस देखिए कितना बढ़िया पका हुआ है। और आपको ग्रेवी दिखाते हैं, ये देखिए ग्रेवी दिखाते हैं, देखिए कितनी सही, ये देखिए आहा, ना बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी, लेकिन रूप देखिए, रंगत देखिए इस ग्रेवी का, ये देखिए नज़ारे बहुत बढ़िया, और महक उससे भी प्यारी। तो लीजिए यहाँ का मटन यकनी, हमने आपको अभी श्रीनगर गए थे वहाँ के, हमने आपको नज़ारे दिखाए थे यकनी चिकन के, यहाँ पर देखिए यकनी चिकन, ये मटन है, सॉरी मेरे मुंह से चिकन निकला, ये देखिए यकनी मटन, वाह मटन यकनी, वाह 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 वाह। और पीस देखिए कितने बड़े हैं, और ये देखिए ग्रेवी देखिए, वाह। तो लीजिए जम्मू का बटर चिकन, ये देखिए रूप देखिए, रंगत देखिए, वाह जी वाह। चिकन ग्रेवी देखिए यहाँ पे, ये देखिए आहा, बहुत प्यारी ग्रेवी, ग्रेवी का टेक्सचर बड़ा प्यारा है और खूब सूरत, और खुशबू उससे भी बहुत शानदार। ये यहाँ पे थिक ग्रेवी के अंदर चिकन, ये देखिए आहा, नज़ारे देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको कड़छी मार के, ये देखिए है ना सही। और ये लीजिए मटन करी हमारे टेबल पे सर्व हो चुकी है, ये देखिए ओए होए 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 होए, देखिए क्या नज़ारेदार बढ़िया बढ़िया पीस निकाल के लाए हैं हमारे लिए, ये देखिए। और ये देखिए बराबर में यखनी मटन, जी हाँ चलाया
ये देखिए कितना शानदार पीस देखिए। तो लीजिए टेबल पर मेरे खाने सजा हुआ, और सबसे पहले ये देखिए मटन, आह मेरा फेवरेट पार्ट, आह है ना बढ़िया। और मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मंगाई है ताकि वेस्टेज ना हो, और जितने भी इनकी रेट्स है क्वांटिटी का हिसाब है मैं आपको वीडियो पे फ्लैश कर दूँगा, ताकि आप जब आएँ तो आपको आइडिया हो कि यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में कितनी चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले ग्रेवी अला मटन, जी हाँ और भी चीज़ें मेरे लिए आ रही हैं, लेकिन ठंडा ना हो जाए तो मैंने कहा शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला इम्प्रेशन, जैसे ही आप इसको पीस को खाने की तरफ ऐसे लेके जाएंगे, सबसे पहले जो आपको पता लगेगा कि खाना कितना स्वाद है वो आपका नाक बताएगा। जी हाँ बहुत ही प्यारी महक है ग्रेवी की, मसालों की, और जब मैं खा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मसाले डाल के ग्रेवी तैयार की गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसाले जो बाद में छाती में जलन करें, इस टाइप की प्रिपरेशन नहीं है। ढाबा स्टाइल प्रिपरेशन ज़रूर है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसा है कि मुलायम से अच्छे से पका हुआ मटन का पीस, पूरी अच्छे से पूरे दिल लगा के टाइम लगा के जो ग्रेवी तैयार की जाती है, हाफ डन टाइप नहीं है, अच्छे से प्यार से पूरा एफर्ट डाल के ऐसी इसकी ग्रेवी है। ये ग्रेवी आप तंदूरी रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, या बॉयल्ड राइस हो उसके साथ कर सकते हैं, मेरे जैसा बंदा तो रोटी के साथ करेगा, और मैं ये कहूँगा ये मटन बहुत ही लाजवाब है। अगला है यखनी चिकन, जी हाँ ये देखिए, हाँ 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 है ना क्लासिक, ये देखिए अब देखिए, पीस देखिए बड़ा ही शानदार पीस निकाल के दिया उन्होंने मुझे, और ये देखिए मज़े आने वाले हैं यहाँ आके, खुशबू इसकी प्यारी है, टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ही शानदार, पीस देखिए कितना मुलायम है, ये देखिए रुई की तरह सॉफ्ट, और जो यखनी की ग्रेवी होती है ये थोड़ी हल्की होती है, बहुत ज़्यादा हैवी मसालों वाली नहीं होती, दही की होती है, चावल के साथ इसका मज़ा बहुत बढ़िया आता है, हल्की सी खटास होती है, देखिए दोनों का है। मैं तो ये कहूँगा ये यखनी दिल्ली हरियाणा में इतना कॉमनली आसानी से नहीं मिलता, तो अगर आप जम्मू या श्रीनगर की तरफ आएँ तो यखनी मटन ज़रूर खाएँ, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। देखिए आज मैंने आपको मेन कोर्स पहले इसलिए दिखा दिया क्योंकि मेरे टेबल पे पहले वो सर्व हो गया था, लेकिन स्नैक्स वालों ये देखिए क्या चीज़ मंगाई है मैंने आपके लिए, जी हाँ ये देखिए, आ हा 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 ये है मटन कबाब, ये देखिए ओए होए 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 होए, ये कितना सही है, ये इनकी इन हाउस प्रिपरेशन है, धुएँ निकलते हुए कीमा देखिए, ओए होए ये ट्राई करते हैं, फ्लैट। मुझे पता क्या जो ये प्रिपरेशन है, ऐसी प्रिपरेशन ना मैं बचपन में खाया करता था, उसके बाद धीरे धीरे ना ये ओल्ड स्कूल स्टाइल जो मटन नॉर्थ इंडिया में मिलता था ये कहीं गुम सा गया है, लेकिन ये टिपिकल मटन कबाब सीख है, मज़ा आ जाएगा, पूरा मटन का अच्छा बढ़िया फ्लेवर, बढ़िया तेज मसाले, दानेदार कीमा, आप इसको चटनी के साथ लगा के खाएं ना खाएं, लेकिन जो इसके अंदर अदरक और लहसुन की पेस्ट वगैरह डाल के इसको तैयार किया गया है बहुत शानदार है, आपको ये पसंद आएगा, मुझे बहुत लाजवाब लगा, ये ऐसी चीज़ें मैं हर हफ्ते खा सकता हूँ, बहुत शानदार। मटन की टेस्ट की बात करूँ आपको अदरक का अच्छा स्वाद आएगा, और जो ये है ये
ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट जूसीज है, आपके दांतों को थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। मुझे स्वाद लगा, मैं थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ कि थोड़ा सा जो मटन कीमा होता है थोड़ा जूसी हो, ये जूसी नहीं है, हल्का सा सख्त है। लेकिन अगर मैं टेस्ट की बात करूँ, लाजवाब है। और ये अंदर से देखिए, आहा कितना शानदार इसको बनाया गया है। इसमें हरी हरी मिर्चें हैं जो स्वाद को बहुत बढ़िया एनहांस कर रही हैं। मेरी तरफ से इसको भी थम्स अप है, अच्छा है। और लीजिए आखिरी में, जी हाँ, यहाँ की जम्मू की स्पेशलिटी, ये देखिए जो अभी आपको हमने तवे के ऊपर चिकन बनता हुआ दिखाया, ये देखिए, आहा, ये खड़े खड़े टमाटर दिख रहे हैं, प्याज में तैयार किया गया। ये यहाँ की स्पेशलिटी है, इसको टोपी चिकन भी कहा जाता है। आहा, ये ट्राई करते हैं। देखिए जो ये वाला चिकन है ना, मैं काफ़ी जगह नॉर्थ इंडिया में काफ़ी जगह घूम चुका हूँ, ऐसी चीज़ सिर्फ आपको जम्मू में मिलेगी। जम्मू में लोग इसको बहुत प्रेफर करते हैं खाना। सॉफ्ट सॉफ्ट चिकन के पीसेस हैं, ऊपर मसाले डाल के, टमाटर प्याज डाल के। प्रिपरेशन का स्टाइल बड़ा ही सिंपल सॉबर सा है, लेकिन अगर मैं टेस्ट की बात करूं, नज़ारे आ जाएंगे। आप इसको एज ए स्नैक्स खा सकते हैं, या पतली रुमाली रोटी के साथ, या तवा रोटी के साथ भी इसका मज़ा आएगा। यहाँ लोग तंदूरी रोटी के साथ भी इसको इंजॉय करते हैं, तो ये दोनों चीज़ों में काम आता है, स्नैक्स में एज वेल एज मेन कोर्स में। मज़ेदार है, अलग है। अगर आप कुछ जम्मू में आते हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं जो और जगहों पे आसानी से नहीं मिलता, तो ये ज़रूर ट्राई करें। तो होप आपको जम्मू का ये नज़ारा, ये नगीना पसंद आया होगा। अब मैंने चार चीज़ें दिखाई हैं। अगर आप कोई बोलें कि भाई हम सिर्फ एक चीज़ खाना चाहते हैं, तो मैं आपको हमेशा ये कहूँगा, यहाँ जम्मू की स्पेशलिटी इनका टोपी चिकन खाइए, जो तवा के ऊपर तैयार किया गया था, और वो जो ऊपर से बर्तन रख दिया गया था उसका टोपी नाम रखा हुआ, इसलिए इसको टोपी चिकन कहते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस आप ये रखिए। बाकी इनका मटन, जी हाँ, टिपिकल ढाबा स्टाइल मटन बहुत लाजवाब है। मटन कबाब भी अच्छा है, यखनी भी अच्छा है, लेकिन ये दो चीज़ें, टोपी चिकन और इनका मटन करी, मुझे सबसे ज़्यादा स्वाद लगा। मैं इसके लिए यहाँ पर दोबारा बार बार आ सकता हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।